वहीं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के एस चौहान ने मुख्यमंत्री के भरोसे के बजट को अविश्वास का बजट बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने चुनावी वर्ष में सिर्फ लुभावना बजट पेश किया है, बजट में कोई बुनियादी घोषणा नहीं की गई है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता के एस चौहान ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। पिछला जो बजट था वो 1,04,000 करोड़ का था, आपकी इनकम हुई थी लगभग 89,000 करोड़, आपने खर्च किया 88,000 करोड़, आपने 20% वैसे ही लैप्स किया। और आपकी पूरी हिस्ट्री बताती है कि पिछले चार बजट में आपने लगभग 20% जितना भी आपने बजट किया है उसका 20% आपने कम किया, और हर साल लगभग 12,500 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ में कर्जा डाला। आप मेरे को ये बताइए कि आपने 1,21,000 करोड़ का बजट दिया, 1,21,000 करोड़ आप लाएंगे कहां से? जब आपकी इनकम 90,000 करोड़ रुपए है तो आप 1,21,000 करोड़ रुपए का खर्चा कैसे करेंगे? और जो जो आपने खर्चे बड़े बड़े खर्चे दिखाए हैं वो खर्चे 3 महीने में नहीं होने वाले, वो लॉन्ग टर्म आपने जानबूझ के दिखाया है कि अब मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, 5 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, आत्मनिर्भर खोलेंगे, तो ये आज की डेट थोड़ी ना है। आप 6 महीने के बाद तो आपके आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद आप बोलेंगे कि उसके बाद होगा ये काम, तो ये बजट नहीं है, ये रेवड़ियां बांटी नहीं गई है, रेवड़ियां सिर्फ दिखाई गई है। ये आपको खजाना लुटाया नहीं जा रहा है, खजाना सिर्फ बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि ये खजाना है, दिया नहीं जा रहा है। देंगे कैसे जब आपकी इनकम 90 रुपए है और 121 रुपए का आप खर्चा दिखा रहे हैं, और उसमें भी 1,21,000 करोड़ में भी आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है, आपने बेरोजगारी लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया, उनके रोजगार के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है, 1,000 होमगार्ड महिला थी उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है, तो आप हैं कहां? आपका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है आपको भरोसा नहीं, आपने भ्रम में डाल के रखा हुआ। और छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ज्यादा जागरूक है, ये सभी चीजें वो समझती है कि 90 रुपए की आपकी इनकम है और 1,21,000 करोड़ रुपए का आप कैसे अपना खर्चा दिखा रहे हैं। आप खर्चा कुछ भी दिखाइए इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेन आप इनकम दिखाइए।